आज बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। पहले हम बात कर चुके हैं जो सेल वॉल है उसके बारे में, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बारे में। आज हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिए हैं उसके लिए। एक तो ओनियन पील को जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इस तरह की फिगर हमें दिखाई देती है। बहुत ही लार्ज लेवल पे हम इसको करके देख सकते हैं, मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, तो ये हमें दिखाई देता है। इसी तरह से ह्यूमन चीक सेल की फिगर इस तरफ बनाई गई है। तो इसके अंदर क्या फ़र्क था, देखिए जो प्लांट सेल होती थी उनके अंदर क्या होता है, जो प्लांट सेल होती है उनके अंदर एक सेल वॉल एक्स्ट्रा होती है जो उनको बचाती है एनवायरनमेंट की जो सीजनल चेंज होती है। लेकिन ह्यूमन जो सेल्स होती हैं या एनिमल की सेल कहें, उनके ऊपर जो सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। और कौन कौन से पार्ट्स हैं, पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं इसके सारे पार्ट्स देखने के लिए। तो इसके अंदर हमने क्या किया था, जो हम देखते हैं अगर ओनियन पील को, तो डायरेक्टली हमें इस तरह की फिगर दिखाई देती है। और इसके अंदर जो ये चीज़ है, देखिए हर एक सेल के अंदर ये जो सेल है, इसी तरह से ये जो सेल है, एक ये जो सेल है, कितना ही बड़ा स्ट्रक्चर हो, जो बेसिक यूनिट है ये सेल रहेगी किसी भी बड़े स्ट्रक्चर की, कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, लेकिन जो बेसिक यूनिट है वो ये सेल रहेगी। और इस सेल के बीचों बीच आपको इस तरह का एक तो सर्कुलर शेप में आपको दिख सकता है या ओवल शेप के अंदर इस तरह का दिखाई देगा, जो कि जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस होता है। और इसके अंदर हम क्या करते थे, आयोडीन का जो सोल्यूशन भी मिलाते थे ताकि जो सारे सेल्स हैं वो कलर हो जाएं, अलग अलग कलर में हम उनको देख सकें, तो इसीलिए आयोडीन का सोल्यूशन भी मिलाया जाता था। तो ये पीछे हम सारा कुछ कर चुके हैं। इसी तरह से अगर आप ह्यूमन चीक सेल लेते हैं, उसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है और बीच में जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये होता है न्यूक्लियस। तो ये जो बीच का पोर्शन है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, चाहे आप प्लांट सेल में ले लीजिए, चाहे आप ह्यूमन चीक सेल में ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। अब देखिए जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर एक डबल लेयर कवरिंग होती है, इसके ऊपर एक हल्की सी डबल लेयर की कवरिंग होती है। ये जो डबल लेयर लेयर कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो, और इसके चारों तरफ इस सेल जो हमारी ये सेल है, यहाँ तक जो सेल हमारी मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये इस पूरी सेल है, इस सेल के बीच में यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इसको हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म। ये हम इसका पूरा फंक्शन पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है बाद में, नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में। तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो क्या है, ये न्यूक्लियस है और ये यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, ऊपर इसके सेल वाल होती है क्योंकि प्लांट का केस अगर हम लें। और उसके बाद जो है इनके बीच में, न्यूक्लियस और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो अभी तो हमें यही जानकारी चाहिए इसको समझने के लिए। इसके अंदर देखिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो हमने बात की, यहाँ पे डबल लेयर होती है यहाँ पे, जिसको हम न्यूक्लियर जो है मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, इसके अंदर अगर आप इसको बड़ा करके देखें थोड़ा सा इस तरह से, इसी चीज़ को हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा इस तरह से, मान लीजिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर आपको पोर्स दिखाई देंगे, इसके अंदर पोर्स होते हैं यानी कि छेद होते हैं इसके अंदर। अब ये जो छेद हैं ये क्या करते हैं, ये जो ट्रांसफ़र एलो करते हैं इन पोर्स के साथ, यानी कि अंदर न्यूक्लियस के और बाहर, यानी कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन तक, इन दोनों के बीच में जो ट्रांसफ़र होता है चीज़ों का वो इसी पोर्स के थ्रू होता है। तो इसलिए ये पोर्स जो हैं इसके अंदर होते हैं। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है ये भी जान लेते हैं। जो न्यूक्लियस है ये हमारा कंटेन करता है, ये क्रोमोसोम्स इसके अंदर होते हैं सबसे पहले, तो क्रोमोसोम्स इसके अंदर होते हैं, जो ये जो न्यूक्लियस बना होता है, सारा न्यूक्लियस बना होता है, ये कंटेन करता है क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये रोड शेप के होते हैं, इस तरह से रोड शेप सी के होते हैं। तो रोड शेप्स के आप इनको देख सकते हैं, जब माइक्रोस्कोप पे आप इनको देखेंगे, तो जो ये क्रोमोसोम है, रोड शेप स्ट्रक्चर होता है इनका। और ये जो है जब डिवाइड होती हैं सेल, तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आप देखने को आपको मिलता है। अब जो ये क्रोमोसोम है ये क्या होते हैं, इनके अंदर होता है इनहेरिटेंस फीचर। अब देखिए क्रोमोसोम क्या है, इनके अंदर होता है इनहेरिटेंस फीचर। इनहेरिटेंस फीचर यानी कि जब पेरेंट्स बच्चे को जन्म देते हैं तो उनके जो फीचर्स हैं वो बच्चे के अंदर जाते हैं कुछ। तो जो इनहेरिटेंस फीचर है, जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, किस फॉर्म में जाते हैं, वो जाते हैं डीएनए की फॉर्म में।
डीएनए की फॉर्म में जाते हैं, यानी कि डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड इसको बोलते हैं, इसकी फॉर्म में जाते हैं। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो बने होते हैं डीएनए के बने होते हैं, एंड इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। तो इनहेरिटेंस जब वो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से बच्चे के अंदर, जो भी उनके डीएनए हैं और प्रोटीन्स हैं, तो इस तरह से जो कुछ जो आदतें होती हैं पेरेंट्स की बच्चों के अंदर होती हैं। तो इसलिए जो डीएनए है वो कंटेन करता है, जो डीएनए है इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है जो किसी सेल को ऑर्गेनाइज करती है, और कुछ जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का उनको हम जीन्स भी बोलते हैं। कुछ जो फंक्शनल अलग से अगर इसका सेगमेंट देखें तो उनको हम बोलते हैं जीन्स। तो जैसे कि बोलते हैं कि बच्चे के अंदर पेरेंट्स के जो जीन्स हैं, तो जो फंक्शनल सेगमेंट हैं अलग अलग तरह के फंक्शनल के सेगमेंट हैं, तो वो जीन भी अलग अलग तरह के जो कुछ इसके डीएनए के पोर्शन में होते हैं। अब देखिए जो सेल है वो डिवाइड नहीं होती, तो उसके अंदर जो ये क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन के रूप में होता है। ये जो क्रोमोसोम अगर वो डिवाइड नहीं होती यानी कि वो विभाजन नहीं कर रही, तो ये क्रोमेटिन के फॉर्म में ये रहता है। और जब ये डिवाइड होती है, जब अबाउट टू डिवाइड होती है, तो ये मटेरियल ऑर्गेनाइज हो जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर। तो इस तरह से जो न्यूक्लियस है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन के अंदर भी। तो सिंगल सेल के अंदर जो ये डिवाइड होता है न्यू सेल के अंदर, इसी तरह से मल्टी सेलुलर के अंदर भी ये डिवाइड होता है। आगे पढ़ेंगे जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। तो उनसे भी हम सिंगल सेल और मल्टी सेल के बारे में जानकारी लेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।